नमस्कार, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। कैसे हैं दोस्त? और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, आप सबको बता दें कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फिर से दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। आजकल अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं है। पहले कहते कहते थे इंसान की ज़िंदगी भगवान के हाथ में, नहीं भगवान के हाथ में नहीं है, अब इंसान की ज़िंदगी इंसान के ही हाथ में है। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं, कहते नहीं हैं, सही कहते हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ता है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है, हर चीज़ का मतलब इतना भाव बढ़ता है, लेकिन माचिस का भाव मोदी सरकार नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि वो आग लगाता है ना, इसलिए। ठीक है ना? क्योंकि आजकल कैसा ज़माना चल गया है, अब देखिए किसी की हस्ती खेलता घर परिवार के एक चुटकी में उजाड़ दे रहे हैं लोग। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी अब इंसान के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। आप लोग तो जानते हैं हम शुरू से ऐसे ही बोलते हैं। और हम बात, आप सोच रहे होंगे कि बात किसके ऊपर चल रही है, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ भाई और प्रिया के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार थे उनकी, छोटी सी फैमिली थी, बहुत खुशहाल रहती थी। और आज 3-4 दिन से वीडियो देख देख के समझ लो सर में दर्द हो गया है, नहीं चाहते थे बनाना, लेकिन क्या करे, मन नहीं मानता है कभी कभी। देखिए वो क्या किसी का बिगाड़े थे, नहीं कुछ ना, वो अपने छोटे से परिवार में इतना हंस खुश रहे थे, हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अगर हम किसी को वीडियो देखते ना देखते थे, सबसे ज़्यादा हम उसी उनकी वीडियो देखते थे, अमरनाथ का, ख़ास करके ज़्यादा करके जो इंस्टाग्राम वाली बहुरिया आई थी ना, उनकी वीडियो, जब से वो मतलब शादी वादी किए तब से, मतलब तब से लेके आज तक हम बहुत ज़्यादा उनका वीडियो देखने लग गए थे, क्योंकि हमको उनका छोटा सा परिवार, उनका मतलब पारिवारिक वीडियो बहुत पसंद आता था। लेकिन क्या करोगे दोस्त, देखिए आज कहते नहीं है भगवान का ग्रहण नहीं है, वो इंसान का ग्रहण है, क्योंकि इंसान ही इंसान को जीने नहीं दे रहे हैं, समझ गए ना? क्या करोगे? क्या कर सकते हैं भाई सब। लेकिन हाँ, भगवान भी ना शरीफ लोगों को ही सताते हैं, उन्हीं को ही दंड देते हैं, बुरे लोग को दंड नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। इनसे भगवान का अंत नहीं मिलता था, इंसान का क्या खाक मिलेगा? क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बुरा वक्त तो आता है, टल भी जाता है, उसके ऊपर आफत तो आई है परिवार के ऊपर, टल जाएगा, ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानते। लेकिन हाँ, जिस दिन पता लगेगा उस दिन क्या होगा, मार के चमड़ी नेर देना, ठीक है? क्योंकि जो ये भूत शैतान जो करते हैं ना, इनके तो मुँह में लाठी करके मार देना चाहिए, जो किसी की हंसती और गृहस्थी में आग लगाते हैं ना, उनको तो बिना वजह के मार देना चाहिए, उनको धरती पे जीना बहुत बेकार चीज़ है, समझ लीजिए। चाहे कोई भी हो, दूसरे का घर गृहस्थी उजाड़ना, दूसरे के ज़िंदगी में दखल देना, दूसरे के क्या कहें, चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए अमरनाथ भाई, ये वीडियो हमारा आपके लिए बन रहा है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बुरा वक्त आता भी है और जाता भी है, समय कभी टिकता नहीं है, हर दिन एक ना एक दिन कटता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे दुखिया हो, चाहे भिखारी हो, हर इंसान का एक एक दिन कटता है, किसी का 2 दिन नहीं कटता है, आपका भी कट जाएगा। यही है खुशी, जो खुशहाल ज़िंदगी होती है वो जल्दी बीत जाती है, दुख की घड़ी बहुत लेट बीतती है, लेकिन बीतती हर दिन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परेशान मत होना, सब सही हो जाएगा। और दोस्त, आजकल समझ लीजिए बहुत बेकार है, इतना बेकार दिन चल रहा है,
आजकल कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता और विश्वास करने लायक भी नहीं। कितने लोग हम देखें, कितने लोग आते थे, कितने लोग उनसे वीडियो बनाते थे, वो अपने आप चूरा लग अलग गिर गया था कैली तो मदीन। यहाँ पर देखा ढेर तनल है, कम है, ज़्यादा है। देखिए दोस्त, आटा हमसे ज़्यादा सना गया है, हम क्या कर सकते हैं, हम ही माई हैं, जो ही लोग खाने वाले हैं, हम माई सृष्टि और कोई है नहीं, इसलिए जो है आटा ज़्यादा हो गया है। तो चलिए दोस्त, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बस रिपोर्ट में कुछ जब नहीं आया है तो समझ लीजिए वो हम उनकी हर पल पल की एक एक वीडियो देख रहे हैं। बेचारी इशारे से बोल रही है, बताओ उनका कंठ बांध दिया गया है, कैसे कैसे लोग हैं। और सोखा ओझा भी हराम खोर नालायक, इनको ये भी नहीं सोचना चाहिए कौन गलत करवा रहा है कौन सही करवा रहा है। उनका आँख दीदा फूट गया, मरेगा ना उनको, कीड़ा पड़ेगा हराम जादों को, ये जो उल्टा सीधा काम करते हैं ना, वो जैसी सो कहती उनको कीड़ा ही पड़ेगा। अरे घर की घर गृहस्थी उसका बसाओ जिसका टूट रहा है, जिसको अच्छे अच्छा काम करो, जिसके ऊपर भूत प्रेत का छाया, अच्छा काम करो, जिसके ऊपर नहीं है वो दूसरे का उठा के दूसरे पे थोप देते। हम नहीं मानते थे क्योंकि हमारी बेटी के ऊपर भाई पड़ा है, इसलिए हम इस चीज़ को कभी नहीं मानते थे। लेकिन जब हमारी बिटिया के ऊपर ऐसा पड़ा था तब हम तब से जानने लगे कि हाँ ये चीज़ होता है, क्योंकि हमारी बिटिया के साथ भी यही हुआ था। हम दिल्ली जाने के लिए, इधर हमारा टिकट था, इधर टेम्पू बुक कर रखे थे, हम स्टेशन पहुँचे, हमारी बिटिया पता नहीं क्या क्या बोली और हमको यकीन ही नहीं होता। वो दिन सोचते हैं तो हमारा रूह कांप जाता है। हम तो कहते भगवान जो साथ दुश्मन हो उसके भी साथ ऐसा ना हो, यही कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, अमरनाथ भाई आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और अगर वीडियो में कुछ उल्टा बुला गया हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बुरा दिन है, बहुत जल्दी कट जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट सही सलामत है, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा।